हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। राइट, फर्स्ट यहाँ पर देखें तो आपको बोल रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो ये क्या है, आपकी टोटली ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज देखिए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है ये क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, वेर पी नॉट क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और पी क्या है, हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो पी नॉट माइनस पी हमारा क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई पी नॉट दैट इज सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये टोटल हमारा कहलाता है लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, इस पर डिपेंड करते हैं वो, यहाँ पर नेचर उस जो हमारा सॉल्यूट है या फिर जो सॉल्वेंट है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करते, वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ये तो आपका क्या है, टोटली ट्रू है कि ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। राइट, नेक्स्ट आपका है द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज टोटली ट्रू, अभी हमने देखा है। राइट, नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है बोल रहे हैं, ये भी ट्रू है। देखिए होता क्या है, मेरे पास में एक सॉल्वेंट है, लेट सपोज ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है मेरे पास में, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेट सपोज पी नॉट है। राइट, अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट ऐड करने के बाद में वो सॉल्यूट क्या होगा, इस वाटर पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा। राइट, अब क्या होगा, अब आपका जो वाटर पहले इजिली क्या हो जा रहा था, इवेपोरेट हो जा रहा था, ठीक है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हमने क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में आएंगे, ड्यू टू दैट अब आपका इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन अगर कम होता है तो ऑब्वियसली आपका वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है देन आपका प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। राइट, नेक्स्ट आपको कह रहे हैं द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल प्रेशर, ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमारा होता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ये इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, एक्स ए कर देती हूँ, वेयर ए जो होगा आपका यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो जो हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कहना क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।